होली का त्यौहार जो जो नजदीक आ रहा है, थार नगरी पर भी फाल्गुन की मस्ती छा रही है। इसी के तहत हिंगला शक्तिपीठ में बुधवार को फागोत्सव का आयोजन किया गया। खत्री महिला मंडल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने जहां फाग गीत गाए, वहीं राधा कृष्ण की झांकी सजा फूलों से होली खेली। देश भर में होली के रंग भरे त्योहारों का रंग धीरे धीरे अपने परवान पर चढ़ रहा है। ज्यों ज्यों होली नजदीक आ रही है, त्यों त्यों थार नगरी पर रंगों का खुमार चढ़ता दिखाई दे रहा है। जहां थार के बाजार खरीदारी से गुलजार हो गए हैं, तो लोग भी होली को लेकर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इस त्यौहार का धार्मिक रूप फाग महोत्सव के जरिए विभिन्न मंदिरों में धूम मचाए हुए है। बाड़मेर के हिंगलाज शक्तिपीठ में बुधवार को फागोत्सव का आयोजन किया गया। हिंगलाज महिला मंडल और खत्री समाज महिला मंडल की महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में फागोत्सव में भाग लिया। महिलाओं की ओर से फाग गीत व भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिस पर कई महिलाएं झूमती नजर आई। शहर के विभिन्न इलाकों से श्री ब्रह्म क्षत्रिय समाज की महिलाओं ने भगवान राधा कृष्ण के सुंदर भजनों से मंदिर में भक्ति का समा बांध दिया। फाल्गुन के गीतों से माहौल को रंगारंग बन पड़ा। फागोत्सव के दौरान खत्री समाज की महिलाओं की ओर से राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी सजाई गई। कृष्ण और राधा के वेश में नन्हे मुन्ने बालक बालिका मनमोहक लग रहे थे। इसके बाद महिलाओं ने भगवान कृष्ण और राधा की झांकी के साथ जमकर फूलों की होली खेली। इस दौरान महिलाओं में उत्साह चरम पर पहुंच गया। महिलाओं ने भगवान राधे कृष्ण के जयकारे लगाकर खुशी का इजहार किया। फागोत्सव के समापन पर मंगल आरती का भी आयोजन किया गया। आयोजनकर्ताओं ने मंदिर में उपस्थित महिलाओं को प्रसाद वितरण किया।